हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका एडवांस मैथ्स और एडवांस मैथ्स का एक पोर्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए जो है आपका अलजबरा जिससे हम हिंदी में बीज गणित बोलते हैं बीज गणित बोलते हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बहुत important ही इम्पॉर्टेंट है ये जो हमारे एस एस सी सी जी एल या फिर सी एच एस एल में दोनों में ही बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ये तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं यहाँ पर जिनको हम पहले जब बचपन में थोड़े छोटे थे तब ये चीज़ देखे हुए थे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली आइडेंटिटी आपके बोर्ड पर नज़र आ रही है जहां पर दिया हुआ है क्या कि ए स्क्वा माइनस बी ये होता है आपका क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसा ही होता है ठीक है तो ये चीज अब आप अप्लाई करके देखो यहां से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो क्योंकि ये ए का मल्टीप्लाई ए से होता है तो ये दिख जाएगा ए स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई बी से होगा तो माइनस ए बी फिर बी का ए से होगा तो प्लस ए बी और बी का बी से होगा तो माइनस बी स्क्वायर देखो ये ए बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यही जो आइडेंटिटी है इसका ही यूज होने वाला है आगे चल के अभी हम आपके सामने लेके आएंगे एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर इसका बड़ा रोल रहता है जैसे ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वॉट नंबर एड टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या यहां पर जोड़ा जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा ठीक है जोड़ा जाएगा तो यही आपको बताना है जैसे यहां पर देखा जाए तो ठीक है यह बड़ा आसान था कि टू इंटू फोर आठ आठ में आप छोटा से छोटा नंबर आपसे पूछा जाएगा कि क्या जोड़ा जाए तो आठ में एक जोड़ दोगे वन यानी हो जाएगा नाइन यानी नौ जो एक पूर्ण वर्ग होता है किसका तीन का थ्री का स्क्वायर होता है जो एक पूर्ण वर्ग होता है यही चीज आपको पता करना रहता है लेकिन ये तो मालूम चल गया कि पहले वाले में वन होगा लेकिन अब दूसरे वाले में क्या करेंगे क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके वहां पे फाइंड आउट करेंगे नहीं अगर ऐसा करने जाएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा और उतना समय अपने पास नहीं होता है वो समय बचाना है तो कुछ और तरीका अपनाना है और वही तरीका मैं आपको बताऊंगा एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि जो अलजेबरा है जितना मैं बता दूंगा वो चीज़ से ही आपके एग्जाम में आता है ये आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एक क्लास में कवर नहीं होगा अगली भी क्लासेज आपकी लगेंगी अलजबरा की यानी कि बीज गणित की ध्यान से समझना और सीखना जो कि आपके प्री के साथ साथ मेंस में यानी कि टीयर वन और टीयर टू दोनों में ही काम आने वाला है देखो यहां पर ये दिया हुआ है इसको मैं अभी अभी जो आइडेंटिटी पढ़े थे उसके थ्रू लेके जा सकते हैं क्या तो बिल्कुल ले जा सकते हैं देखो इसको पहले लेके चलते हैं टू इंटू फोर को इस दो को मैं थ्री माइनस वन और इसको फोर माइन कितना था थ्री प्लस ठीक है ये थ्री प्लस वन लिख सकता हूं यहां से क्या हो जाएगा ये थ्री स्क्वायर होगा और माइनस वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन होता है और माइनस वन इसमें क्या जोड़ेंगे तो यही जो माइनस वाला पार्ट है अगर उतना जोड़ दिया जाएगा तो ये नाइन आ जाएगा मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन आएगा यही काम आपको करना है अगले क्वेश्चन में भी अगले क्वेश्चन में यही करना है मतलब इसमें अब इसमें करना है तो ये वन फोर्टी एट है वो वन हंड्रेड सिक्सटी टू है अब मालूम कैसे चलेगा हमें कि कौन सा नंबर है जिसमें से इसको घटा के लिखना है उसको बढ़ा के लिखना है तो क्या करना है आपको सीधा सीधा 148 और 162 का डिफरेंस लो कितने का है यहां पर ये दिख रहा है फोर और ये दिख रहा है वन चौदह चौदह यानी कि 14 का क्या कर दो आधा तो आ जाएगा कितना सेवन मतलब ये हुआ कि इसमें सात जोड़ना है तो वन फोर्टी एट ये अभी मैं बता रहा हूं लेकिन इससे भी आसान है बहुत आसान है इसको सॉल्व करना वो मैं बता दूंगा ये कितना हो गया 162 इसको 155 में से सात घटा दो और इंटू 155 में सेवन ऐड कर दो यहां 155 फिफ्टी फाइव के स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा कि क्या जोड़ा जाना चाहिए तो सेवन स्क्वायर जोड़ा जाना चाहिए मतलब कितना हो गया 49 यही आपका आंसर हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा तो देखो अब करना कैसे है आपको एग्जाम में सीधा सीधा डिफरेंस लेना है डिफरेंस लेना है उसका आधा कर देना है और उसी का स्क्वायर कर दो वहीं आपका उत्तर आ जाएगा अंतर कितने का था दो का दो का आधा होता है एक और वन का स्क्वायर हो गया वन आपका आंसर आ गया यहाँ से अंतर कितने का था फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू कर देंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन पर अंतर कितना दिख रहा है तो सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर यानी कि कितना हो गया थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन इसका आंसर नाइन आ गया सेम ऐसे यहां पर दिख रहा है देखो नाइन फोर नाइन फोर नाइन फोर नाइन फोर ये नाइन फोर और नाइन सिक्स है मतलब डिफरेंस दो का दो डिवाइडेड बाई दो टू डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर आंसर आ गया वन बात खत्म यहां पर अंतर कितना दिख रहा है टेन डिवाइडेड बाई टू कर देंगे स्क्वायर कर देंगे फाइव का स्क्वायर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव देखो कितना आसान था ये बहुत ही इजी है सोचो so, इतने बड़े दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके और फिर उसमें क्या ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने उसके लिए आपको यही तरीका अपनाना है और तुरंत ही सही आंसर पा लेना है तो ये एक बहुत ही शानदार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लगेगा ही नहीं कि अल्जबरा का क्वेश्चन आपको लगेगा सिंप्लीफिकेशन का है पर होता ही है अलजबरा से ही है क्योंकि यहां पर ये आइडेंटिटी यूज होती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन जो आया हुआ है एस एस सी CGL के अंदर किसमें ये सी में क्वेश्चन आया हुआ है पहले अब यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्या तरीका अपनाया जाए थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर नहीं मुश्किल नहीं है बहुत आसान है ये देखो टू की पावर सिक्सटीन माइनस एक काम करें ये देखो ये सॉल्व करो जरा कितना हो गया है थ्री ये कितना हो गया है फाइव हुआ है इस थ्री को हम एक काम कर सकते हैं ना फोर माइनस वन लिख सकते हैं और फाइव को फोर प्लस वन लिख सकते हैं ठीक या फिर अगर फोर है तो फोर को हम टू की पावर टू लिख सकते हैं तो क्यों ना वहीं लिखे ठीक है तो वहीं आपको लिखना है क्योंकि जरूरत तो उसी का है तो ये टू का स्क्वायर और टू का स्क्वायर देन आएगा टू की पावर यहां फोर प्लस वन और टू की पावर एट प्लस वन ये देखो जरा ए माइनस बी और ए प्लस बी हुआ इसका मतलब टू की पावर सिक्सटीन माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर फोर और माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है और यह आ गया आपका टू की पावर फोर प्लस वन देन टू की पावर एट प्लस वन देखो ए माइनस बी ए प्लस बी अगेन आया तो टू की पावर सिक्सटीन माइनस ये टू की पावर एट माइनस वन और यहां पर टू की पावर एट प्लस वन यहां देखेंगे तो टू की पावर सिक्सटीन माइनस ये आ गया अगेन तो टू की पावर सिक्सटीन माइनस वन सॉल्व करेंगे तो टू की पावर सिक्सटीन माइनस टू टू पावर सिक्सटीन प्लस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा आ गया आपका आंसर कितना वन एक हो जाएगा इतना मुश्किल क्वेश्चन का भी सही जवाब क्योंकि आप टू की पावर सिक्सटीन निकालते रह जाएंगे और फिर निकाल नहीं पाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा वो टाइम बचाना है तो ये तरीका अपनाना है और फटाफट आंसर लाना है इस तरह का क्वेश्चन वो तो क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है ऐसे सेट किया गया रहता है पर हां एक बार सॉल्व जरूर कर लिया करो आपके पास टाइम है तो चलिए तो ये एक आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी कौन सी थी आपकी ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही और भी आइडेंटिटी आने वाली है जो कि अलजेब्रा में काम आएगा ये देखो ऐसा आप क्वेश्चन में अक्सर देखते नजर आए होंगे आपके देखे होंगे इस तरह का यही चीज को समझने के लिए पहले हम लोग ये यह समझेंगे यहां पर क्या था यह आपका पता ही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वही काम आपको यहां पर कर डालना है क्या था आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू है के एक काम करें दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या वैल्यू में फर्क पड़ेगा नहीं कर लेते हैं ये हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ये देखो टू ए बी तो टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका क्या के स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू के स्क्वायर यहां पर क्या बचा था टू प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस यानी एक ये रिजल्ट आपका आ गया है एक ये रिजल्ट आपके सामने है और ये रिजल्ट याद रख लेना है जब भी ये देखो डिग्री कम है डिग्री मतलब क्या उसका पावर अगर पावर कम है और हाई डिग्री में स्क्वायर वाले में अगर जाते हैं तो क्या होता है के स्क्वायर माइनस अगर यहां प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा ये चीज ध्यान रखना क्योंकि एक और आने वाला है आगे चल के तो इसलिए यही ध्यान रखना कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के तो ये हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया रहेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सपोज तो थ्री दे दिया है तीन दिया हुआ है आपको क्या करना है अगर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो आपको सीधे थ्री स्क्वायर माइनस टू कर देना है जो कि नाइन माइनस टू यानी कि सेवन आ जाएगा आंसर हो जाएगा तो इस तरह से देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जहां पर दिया हुआ है क्या फाइव एक्स प्लस वन अपन एक्स पूछा हुआ है सीधे सीधे हो जाएगा क्या फाइव स्क्वायर माइनस टू ट्वेंटी थ्री खत्म थर्टीन क्या स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन माइनस टू वन सिक्सटी सेवन ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर वन माइनस टू फोर थर्टी नाइन हो गया यही तो आपको करना था और तो कुछ भी नहीं है सिंपल सा था ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है एक, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे दे देगा और ये पूछ देगा देखो कितना सेकंड एक सेकंड दो सेकंड लगेगा आराम से हो जाएगा ये बहुत ही आसान होता है ये और आसानी से सॉल्व हो जाता है तो बस इसको ध्यान से समझना और एक चीज और मैं बताऊंगा कभी भी जब आप एस एस या एस एस देने वाले हैं तो एडवांस वाला पोर्सन आप लास्ट में कवर करो क्योंकि यहां पर कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन या प्रैक्टिस आप पहले कर लो लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस भी एडवांस वाले का लास्ट में मोमेंट में ज्यादा जरूरी होता है जैसे अगर एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है तो आप जून एंड से इनका प्रैक्टिस शुरू कर देना अलग से मॉक टेस्ट तो पहले से देते रहो लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा देना चाहिए एंड में क्योंकि क्या होती है याद करने वाली चीजें जो है आपके सामने आ जाती है और फिर एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाते हो ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं जहां यह दिया हुआ है क्या a माइनस बी क्या होली स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सेम यही चीज यहां पर कैसे आया ये ये देख लेना है वही होता है कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर है तो इसका स्क्वायर कर दो ये के का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां पर फिर आता है क्या माइनस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू उधर जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू यहां पर देखो प्लस टू यह माइनस था माइनस था तो इधर प्लस आ गया जब प्लस था तो माइनस था कितना टू टू आया क्यों क्योंकि टू ए बी करने पर ए और बी जो एक्स इंटू वन अपॉन एक्स था वो कैंसिल आउट हो गया था तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा वो कि के स्क्वायर प्लस टू सिंपल सा यानी कि अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सपोज थ्री दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस टू यानी कि एलेवन सिंपल थ्री स्क्वायर प्लस टू यानी कि 11 आ जाएगा और बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं देखते हैं तीन क्वेश्चन आपके सेम से माइनस से प्लस वालावेंटीन स्क्वायर प्लस टू और थर्टी फाइव स्क्वायर प्लस टू सिर्फ यही तो करना था तो और कुछ करने की यहां पे जरूरत ही नहीं है तो आराम से आप यहां पर लिख सकते हो कितना 25 फाइव प्लस टू ट्वेंटी ऐसे ही 289 एट्टी नाइन प्लस टू कितना हो गया आपका 291 नाइन्टी वन सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो कितना है बारह पच्चीस प्लस दो ट्वेल्व कितना हो जाएगा टू सेवन तो यहां से ये यह आराम से सॉल्व हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ अब रिवर्स पूछा गया है यहां तक अलग था इससे पहले वाले तक अब यहां पर बोला हुआ है कि अगर यह दिया हुआ है इस फॉर्मेट में कि प्लस अपन तो अगर के है और आपसे लोअर डिग्री पूछ दिया गया है तो देखो वहां पर होता था कि प्लस वाले से माइनस होता था और माइनस वाले का प्लस होता था लेकिन अगर उल्टा पूछा हुआ है यानी हायर डिग्री से लोअर स्क्वायर वाले से सिंगल वाला पूछा है तो रूट में जाता है और प्लस है तो प्लस सी होगा माइनस है तो माइनस सी होगा जैसे यहां पर दिख रहा है आपका कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा रूट ओवर के प्लस टू आराम से यही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि तो वो देख भी सकते हो आप देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये है और था क्या रूट में के प्लस टू दोनों का स्क्वायर करके देखो जरा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स उधर हो जाएगा के प्लस टू ये कैंसिल आउट ये देखो टू से टू गया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के आ गई यही आया तो यही आपको करना है और आराम से सॉल्व हो जाता है तो सीधा सीधा अगर ये पूछा हुआ है तो प्लस तो करना था क्या है ये ट्वेंटी थ्री तो रूट ओवर ट्वेंटी थ्री प्लस टू यानी कि रूट में कितना हो गया ट्वेंटी आंसर आ गया कितना फाइव पांच सिर्फ फाइव आराम से ही हो गया इतना आसान था ये इसको सॉल्व करना सिमिलरली अब आगे बढ़ेंगे तो अगला आपका आएगा क्या यहां तो प्लस ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो देखे नहीं थे क्योंकि दोनों को करेंगे तो प्लस ही आएगा यहाँ क्या है अगर माइनस है तो यह माइनस ही होगा यानी यहाँ पर इलेवन है तो रूट ओवर इलेवन माइनस टू रूट नाइन यानी थ्री अगर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज टू इलेवन है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा आपका कितना थ्री ओनली थ्री यानी कि रूट ओवर नाइन यानी थ्री हो जाएगा और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े और यहां दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा देखो ये चीज है कि अब उसको कोई और नहीं बता सकता ये आइडेंटिटी है ये बेस है ये याद रहना पड़ेगा आपको क्या था ये प्लस था तो यहां पर प्लस जबकि यहां पर टू ए बी वगैरह नहीं आता माइनस आता है ताकि वो कैंसिल आउट हो सके क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखेगा आपको ए क्यूब प्लस माइनस ए स्क्वायर बी बी से करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर देखो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कैंसिल आपको भाई तो सेम यहां पर भी वही हो जाता है क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ठीक है यही आपको पता चल गया ये दो आइडेंटिटी थी अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें देखना है अब ये देखो दे रखा है आपका कि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वन है देन फाइंड ए यहां पर ए क्यूब है ये ए क्यूब क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां मालूम करना आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा ये पहला क्वेश्चन है देखो है बड़ा आसान सॉल्व कर लो इसको जरा ये क्या हो जाएगा एपॉन बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वन है एलसीएम इनका कितना हो जाएगा ए बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया ये वन अब यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ये इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो आ गया यहां से यही आ गया अगर ये आ गया तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया क्या देखो जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी और यहां होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर जीरो है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहां a प्लस बी से तो आपको मिलेगा जीरो यानी इसका वैल्यू आ गया कितना जीरो सिर्फ जीरो शून्य हो जाएगा ये सेम ऐसे ही आगे वाले को यहां देखो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस है तो इधर प्लस से भी आ जाएगा अगर ये जीरो है तो यानी कि ये निगेटिव वाला पार्ट भी आ जाएगा जीरो सिंपल आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा अलग है आपको दिख रहा होगा ये ए बी आ जाएगा यहां पर ए प्लस प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए बी के बराबर यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ गई जीरो तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो थे ये ये और ये तीनों की ही वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई। आया कहां से आपको बस यही लेके आना था और वो आइडेंटिटी में आप जैसे ही पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से आगे चल के कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जहां पे वैल्यू पुटिंग में बताऊंगा जो कि ऐसे चुटकियों में होगा तुरंत वैल्यू पुटिंग का बस जुड़े रहो मैं बता दूंगा एकदम आसानी से वो चीज बताऊंगा कि वैल्यू को कैसे रख के और हम सही सही आंसर लेके आ जाते हैं ठीक है तो वहां से आप बिल्कुल आसानी से उत्तर लेके आ जाओगे चलो नेक्स्ट अब थोड़ा सा यहां बदला बदला सार है नजर क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी यही होता है यहां दिया हुआ है ये क्या अगर ऐसे कि x प्लस वन अपॉन एक्स का आ, क्या करना है के तो होल क्यूब कर दो होल क्यूब कर दो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी तो ए बी ए प्लस बी अंदर आ जाएगा ए प्लस बी बरबर ये कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे और ये हो जाएगा क्या K के क्यूब ये किसके बराबर है K के के बराबर है यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री के दिख रहा है और ये के क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा के क्यूब माइनस थ्री के के क्यूब माइनस थ्री के जैसा कि यहां पे दिख रहा है तो बस यहां पे भी ध्यान रखना लोअर डिग्री से हायर मतलब क्यूब की तरह जा रहे तो निगेटिव होता है माइनस होता है कितना क्यूब है तो सीधा एक क्यूब तो रहेगा क्यूब लेकिन यहां माइनस थ्री के होता है माइनस थ्री के होता है यानी अगर ये सेवन है तो आएगा क्या आपका सेवन क्यूब माइनस थ्री इंटू सेवन सेवन क्यूब हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी वन यहां से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये थ्री ट्वेंटी टू तीन सौ बाईस तीन सौ बाईस आपका आ गया कितना थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू यहाँ पर आंसर आ गया जैसे ही आपसे ये पूछा जाएगा तो ठीक है अभी क्वेश्चन आएंगे आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको सिर्फ यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं और उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी हमें यूज करना है वो जो कि ये है आपका ठीक है और एक बार मैं क्विक रिविजन भी करा दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए वो ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट आपका यहां दिया हुआ है सेम वही अगर ये माइनस हो जाता है तो वहां प्लस हो जाएगा यहां माइनस हुआ तो वहां प्लस मतलब क्या हो जाएगा फाइव क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव पांच का क्यूब होता है कितना वन ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन एक सौ चालीस यानी अगर दिया हुआ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी वन हंड्रेड फोर्टी एक सौ चालीस मात्र तो ये दिख रहा होगा कि बहुत आसानी से होते चला जा रहा है तो ये कुछ थे जैसे अगर मैं क्विकली बताऊं आपको तो यहां पर क्या था एक था कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के और एक था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के दोनों से ही पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तो ये के स्क्वायर ये प्लस था तो यहां होगा माइनस यहां माइनस था तो ये हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू अगर उल्टा कर दिए थे उल्टा किए थे तो क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर के है तो यहां से दो फॉर्मूला आ जाते हैं एक क्या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक एक्स माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ देखा जाए तो हो, रूट ओवर क्या के प्लस था तो प्लस टू और यहां के माइनस था तो माइनस टू बस और उसके बाद से आपके सामने ही है जहां पर दिया हुआ है अगर माइनस वाला तो हो जाएगा क्या के क्यूब प्लस थ्री के और यहाँ हो जाएगा के क्यूब किधर था हाँ आगे है ना वो तो एक था आपका के क्यूब माइनस क्या था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के आपसे पूछा था एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा के क्यूब माइनस थ्री के और यहां पे प्लस हो जाएगा तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपकी आइडेंटिटी जहां दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ये होता है क्या ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अब वहां पर बोला है कि यह जीरो हो जाता है अगर ये जीरो हो जाता है तो होगा क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये जो दोनों पोर्शन है यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है थ्री ए बी सी हो जाएगा ना क्योंकि यहां पर क्या होगा आपका देखो ये माइनस है और यहां पर था कि अगर जीरो हुआ है तो इसका मतलब ये जीरो हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए बी सी यही आपसे यहां पर बताया गया है दिख रहा है ये यही बताया गया है आपसे यहां पर और बिल्कुल आसानी से ये हो भी जाएगा सॉल्व चलिए देखते हैं आगे अब यहां पर दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है देन फाइंड इसकी वैल्यू क्या होगी आपको क्या करना है देखो तरीका होता है इसका क्या करना है या तो आप एक काम कर लो दिख रहा है ये ए स्क्वायर एक काम करें ऊपर में अगर मैं ए बी सी से और नीचे में भी ए बी सी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या ए बी सी और नीचे में भी ए बी सी ऐसा तो नजर आ रहा है यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अलग अलग है ना ये बी सी है ये है ए सी और ये है सी स्क्वायर ए बी ठीक है इसको कॉमन ले लिया जाए तो ये वन अपॉन ए बी सी आ जाएगा ये अगर अंदर जाता है तो b इंटू सी से b इंटू सी कैंसिल आउट हो जाएगा होगा ना b इंटू सी से b इंटू सी बचेगा a तो हो जाएगा क्या ए क्यूब सिर्फ ये कैंसिल आउट हुआ प्लस सेम एंटू सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा बीक्यूब प्लस क्या हो जाएगा सी क्यूब बस अब यहां से हमें पता चल गया कि अगर ये कंडीशन होता है तो होता है क्या ए क्यूब प्लस बीक्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी इसको हम लिख सकते हैं क्या थ्री ए बी सी और डिवाइडेड बाई क्या था आपका ए बी सी ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा सीधे सीधे आंसर आ गया कितना थ्री यानी कि तीन यह अभी मैं तरीका बता रहा हूँ तरीका सीख जाओ क्योंकि आगे चल के इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं उसका तरीका मैं बताऊंगा पर अभी मेथड हम लोग सीख लेते हैं आइडेंटिटी का यूज़ सीख लेते हैं फिर हम लोग आगे चल के और धमाल करने वाले हैं और कमाल करने वाले हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट एक और आ गया यहां पर क्या है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है कि हाफ ए बी सी सम है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होली स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होली स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होली स्क्वायर यही है ये यह आइडेंटिटी है आराम से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर सेम वह, यहां पर भी वही है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे चलिए देख लेते हैं यहां अब ये क्वेश्चन है बी सी तो अब ये सॉल्व होगा कैसे ठीक है यहां पर यही चीज बोला हुआ है अब ये कैसे सॉल्व किया जाए तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं ये फॉर्मूला इसका अप्लाई कर सकते हैं क्या था ए प्लस बी प्लस सी यही था और उसका भी क्या हाफ फिर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ये थ्री था बी माइनस सी का होली स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होली स्क्वायर यही आइडेंटिटी थी एक अब हमें क्या करना है ये वन बाई टू इनको जोड़ दो क्योंकि ए बी ये जुड़ा हुआ है तो ये तीनों जुड़ेंगे तो कितना थ्री 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 डबल करेंगे तो सिक्स 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 आ जाएगा और थ्री थ्री फोर ये देखो जीरो जीरो कितना आ गया वन थाउजेंड यह आ गया वन थाउजेंड ए और बी का डिफरेंस देखा जाए तो जीरो था तो जीरो बी और सी का का डिफरेंस वन वन तो ये हो जाएगा क्या स्क्वायर सी और ए का भी डिफरेंस वन माइनस वन है कोई बात नहीं वन ही आएगा ना वो तो स्क्वायर हुआ है तो वन यहां से आ गया वन बाई टू इंटू वन थाउजेंड इंटू यहां वन प्लस वन कितना हो गया टू टू से टू कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया वन थाउजेंड देखो कितना आसानी से आ जाएगा अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो आपके लिए आसान है नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो यही करना था चलिए अब ये देखते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये वाला जो इक्वेशन है ये कुछ नजर आ रहा है कुछ ऐसा था कि हाफ ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऐसा ही कुछ था यानी कि इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला था क्या था ए प्लस बी प्लस सी और यहां था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ही था अब ये पूछा हुआ है इसको फिर कैसे सॉल्व किया जाए तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला है आपका ये दिख रहा है ये इसमें अगर हम a प्लस बी प्लस सी सामने में अगर जोड़ देते हैं तो एक आइडेंटिटी बनती है दूसरी वाली ऐसी ही कुछ बनती है वो थी क्या हाफ ए प्लस बी प्लस सी और फिर यहां पर था ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यही था यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब सीधे सीधे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि हाफ और ये चीजें तो क्यों ना यहीं पे सॉल्व किया जाए हाफ ए और बी का डिफरेंस कितने का है वन का वन स्क्वायर फिर बी और सी का डिफरेंस कितने का है वन का तो वन स्क्वायर प्लस सी और ए का डिफरेंस कितने का है टू स्क्वायर हो गया तो यह आ जाएगा आपका हाफ वन प्लस वन टू और प्लस ये टू का स्क्वायर फोर यानी कि सिक्स तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री आ गया आंसर तो ये इतने बड़े अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर गिव अप ही करना पड़ जाता है उससे अच्छा है कि अप्लाई करो और सही सही और जल्दी से उत्तर लेके आओ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहां से क्वेश्चन शुरू हुए हैं जिनको हम लोग ये यूज करते हुए नजर आएंगे क्या ए प्लस बी प्लस सीज इक्वल टू जीरो तो ये ये आइडेंटिटी आप लगाने जाओगे मत लगाओ आइडेंटिटी मत लगाओ अब तरीका है दो तरीका होता है ठीक है एक ध्यान रखना चाहिए आपको बस इतना कि नॉट डिफाइन कभी नहीं आना चाहिए मतलब ऐसी वैल्यू हमें ए बी और सी की पुट करनी है ताकि यहां पर जो भी मान आएगा वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए मतलब हमारे पास कंडीशन ये होता है कि हम ए इज इक्वल टू वन मान ले b इज इक्वल टू माइनस वन मान ले और c इज इक्वल टू जीरो मान ले एक ये होता है दूसरा ये होता है कि a को वन मान लो b को भी वन मान लो और c को मान लो माइनस टू देखो जरा वन माइनस वन प्लस जीरो जीरो हो जाएगा वन प्लस वन टू माइनस टू हो जाएगा जीरो इन्हीं दोनों में से या तो आप ये मानो या ये मानो लेकिन ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको वो उसी को ध्यान रखना है जरा देखो अगर ए को वन मानते हो तो वन हो जाएगा माइनस ये जीरो तो वन आ जाएगा मतलब हम लोग यहां पर फर्स्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं क्या ए की जगह वन बी के जगह माइनस वन और सी के जगह जीरो पुट कर दो सीधे सीधे यहां पर ए स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर और प्लस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की जगह पर वन स्क्वायर माइनस बी की जगह पर माइनस वन इंटू जीरो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा वन यहां पर भी आ जाएगा प्लस वन यह आ जाएगा आपका जीरो डिवाइडेड बाई वन यानी आंसर आ गया कितना टू बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर आ गया दो आपको कोई भी आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी सिर्फ आपको यही अप्लाई करना है कि प्लस वन माइनस वन और जीरो या प्लस वन प्लस वन देन माइनस टू ताकि इनको जोड़ने के बाद से ये आ जाए क्योंकि a plus b plus c equal to 0 दिया रहता है देन वो आइडेंटिटी वो जो भी फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछा जाता है ऐसे ही और भी क्वेश्चन आएंगे आपके स्क्रीन पर जो कि आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे सेम वही करना है आपको क्या करना है 1 1 और 0 देखो जरा ये हो जाएगा ना ये तो 0 0 हो जाएगा यानी प्लस यानी अप्लाई कर सकते हैं ये तो 1² 1 होता है और प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस सी की जगह जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन इंटू आपका माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू जीरो प्लस जीरो इन क्या हो जाएगा वन ठीक है सॉल्व करेंगे तो ये वन प्लस यहां पर भी वन इज इक्वल प्लस जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस वन और ये प्लस जीरो प्लस जीरो यानी कि टू डिवाइडेड बाई माइनस वन तो कितना आ गया माइनस टू यहां पर उत्तर आपका आ जाएगा माइनस टू यानी निगेटिव में दो होगा यहां आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं आप लेकिन उसके बिना ही आपका काम आसान है तो क्यों हम उधर जाए जब इतना जल्दी सॉल्व हो रहा है वैल्यू पुट करके तो हमें उधर जाने की जरूरत ही क्या है बिना उसके हमारा काम चल जा रहा है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसे ही सेम वही काम क्या करना है वन माइनस वन और जीरो पुट कर दो वन तो यहां पर तो वन ही आ जाएगा सीधे और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है C है जीरो. लेकिन गड़बड़ हो जाएगा अगर अगर आप ऐसा यूज करते हैं देखो अभी मैं बता दे रहा हूं कि इसके लिए मैं दूसरा बता रहा था ये वन स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई माइनस वन इंटू जीरो जीरो क्या होता है नॉट डिफाइन Not defined, जिसे परिभाषित नहीं कर सकते ऐसा कंडीशन नहीं बनना चाहिए अगर नहीं बनना चाहिए मतलब हम गलत यूज कर रहे हैं यहां पर हमें यह नहीं यूज करना चाहिए था क्या यूज करेंगे अब दूसरा हमारे पास है अगर एक फेल हुआ तो दूसरा हमारे लिए तैयार है वो है क्या वन वन और माइनस टू पुट कर दो वन का स्क्वायर होता है वन डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा माइनस टू क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है प्लस बी स्क्वायर होता है वन और ए इंटू सी हो जाएगा माइनस टू प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर और यह आ जाएगा ठीक है ये माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा तो यह आ गया अब यहां ये दोनों को जोड़ा जा सकता है तो माइनस हाफ माइनस हाफ आ गया वन वो भी माइनस में और प्लस फोर यानी कि थ्री उत्तर आ गया आपका कितना तीन वो कंडीशन उधर वाला जो भी दिया है ए बी और सी नॉट इक्वल टू जीरो उसको इग्नोर करके चल सकते हो उसके बिना ये वाला जो मेथड आप अप्लाई करोगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो उसी लिए दिया रहता है ताकि आप कंफ्यूज रहो और उसको ध्यान दो और फिर उसी में उलझे रह जाओ तो वो उलझन से सुलझना है तो कुछ यही करना पड़ेगा आपको चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ सेम वही जीरो नहीं मान सकते हो क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा आपको क्या करना है वन वन और माइनस टू तो चलो वन प्लस वन टू इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बी प्लस सी माइनस वन इंटू सी प्लस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन इंटू वन इंटू माइनस टू ठीक है ऊपर आ जाएगा सिर्फ टू डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा माइनस थ्री इंटू टू टू से टू गया माइनस वन बाई थ्री आपका आंसर आ गया माइनस वन बाई थ्री यहां पर आपका आंसर आ गया जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है इसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग ऑप्शन भी लेके चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अल्जबरा का बीज गणित का जहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे अब ये तो बहुत ईजी था ईजी वाले पार्ट को हम लोग कवर कर लिए एक लेक्चर में ये तो यहाँ पर वही काम करना है हाँ ये तो प्लस प्लस है मतलब हम लोग वन माइनस वन और जीरो पुट कर सकते हैं वन पुट करोगे तो वन प्लस वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ दोनों का स्क्वायर करना है तो वो तो सीधे सीधे वन आया प्लस C है तो यहां भी जीरो C है तो यहां भी जीरो यानी कि वन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन यानी टू स्क्वायर मतलब आ गया कितना फोर आपका सही जवाब आ जाएगा यहां पर फोर जो कि बिल्कुल आसानी से आ गया है चलिए नेक्स्ट यानी सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट होगा यहां पर यह क्वेश्चन अब क्या जीरो नजर आ रहे हैं हां अगर हम जीरो यहां पे रख देते हैं तो गया काम खत्म मतलब यहां पर हमें क्या आप करना पड़ेगा वन वन माइनस टू पुट करना शुरू करो वन डिवाइडेड बाई बी माइनस सी माइनस वन प्लस यहां पे क्या आया वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी की वैल्यू माइनस टू और ए प्लस बी हो गया टू यहां फिर अभी रिवर्स जाने लगा ये ए प्लस बी यानी कि टू माइनस टू प्लस बी सी वन और ये ए की वैल्यू वन बी प्लस माइनस वन था ना सी प्लस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई वन सॉल्व कर लो माइनस वन माइनस वन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा वन तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन यहां पर भी कैंसिल आउट हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन यानी यहाँ से आ गया माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री यानी आंसर आ गया कितना नाइन नौ no. नाइन आ गया आसानी से ये नौ no, इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है नाइन सही जवाब हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहां पर दिया हुआ है यही बस डिनोमिनेटर में यहां पे मुझे दिख गया अगर जीरो मानता हूं तो यहां दिख गया ना नॉट डिफाइन मतलब जीरो नहीं मान सकते नहीं मान सकते तो क्या मानेंगे वन वन और माइनस टू आसान है अब यहां पर वन हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन वही वन अब बी का क्यूब वन ही हो गया प्लस वन अपन सी का क्यूब हो जाएगा माइनस एट वन अपन ए प्लस बी ए प्लस बी यानी कि टू टू का क्यूब कितना हो गया एट प्लस वन अपन ठीक है बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस तो ये माइनस वन फिर अगेन आया प्लस वन अपन अच्छा ये ए प्लस सी था ठीक है ए प्लस सी ए प्लस सी कितना हो गया फिर से माइनस वन हो गया सॉल्व कर लो ये वन प्लस वन माइनस वन बाई एट प्लस वन बाई एट माइनस वन माइनस वन माइनस वन और वन कैंसिल आउट वन और माइनस वन और ये दोनों क्या बचा लड्डू यानी कि शून्य जीरो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया शून्य यानी कि जीरो चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फाइंड ए स्क्वायर अब तो आप पुट कर सकते हो ना डिनोमिनेटर वाला सीन ही नहीं तो वन माइनस वन और जीरो यही है जीरो पुट किए तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया ये दोनों जीरो जीरो हो गया यही दोनों को सॉल्व करना है तो ये वन बी स्क्वायर होता है माइनस वन प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन ये वन प्लस जीरो यानी आ जाएगा कितना माइनस वन और उधर आएगा प्लस वन यानी आंसर आ गया जीरो तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया है आपका क्या माइनस वन प्लस वन यानी जीरो पार्ट वन था जहां पर आपने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे तो ये आगे चल के भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ऐसे सी सी जी एल या सी एच एस एल जैसे एग्जाम देते हैं या फिर ऐसे एग्जाम जैसे रेलवे जैसे एग्जाम देते हैं जहां पर आपके अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस वाला पोशन भी यूज होता है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक से दो क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो अलजबरा की देख ले तो उतना एनाफ है आपके वो जो दो नंबर दो क्वेश्चन जो आने वाले हैं दो क्वेश्चन यानी कि चार नंबर आने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए और इजिली आप वो चार नंबर स्कोर कर सकते हो आपके टीयर वन में इवन टीयर टू में भी इसके आएंगे क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन वहां पे तीन नंबर का यानी कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए तो ठीक है बने रहिए अगली वीडियो भी देखना ना भूलना और जितने भी आपके नॉन पर्सन है जो कि एसएससी सीजीएल सी सी जी एल का यह एस एस सी सी एच एस एल का प्रिपरेशन करें उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फिर से अलजेब्रा के ही साथ क्योंकि अलजेब्रा अभी कंटिन्यू है ठीक है थैंक यू सो मच